दिल्ली की सत्ता में बैठकर इस भारत को खंडित करने वाले ताकतों को कैसे हटाया जाए। भाजपा को उल्टा गिनती शुरू हो गई। सारे उनके जो कुकर्मों का मुकाबला करेंगे और अंत में सच जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का जुटान लगने वाला है। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार को बेनकाब करने के लिए। केंद्र सरकार विफल है ये बताने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और उस मास्टर प्लान का खुलासा पूर्णिया में होगा। तमाम बड़े नेता, तमाम शीर्ष नेतृत्व जो महागठबंधन के हैं वो एक मंच पर होंगे और क्या कुछ उस मंच से कहा जाएगा, क्या कुछ आगाज़ होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तमाम बातें महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। सबसे पहले आप तमाम महागठबंधन के नेताओं को सुनिए। 25 तारीख को महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में एक आम सभा की जाएगी। बिहार के सभी नागरिकों को समाजवाद में सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोगों को और ये सारी क्रियाकलाप महागठबंधन की साथियों के साथ शुरुआत हम सब कर रहे हैं। दंगाइयों और उन्मादियों को कैसे 24 के चुनाव में दिल्ली की सत्ता में बैठकर इस भारत को खंडित करने वाली ताकतों को कैसे हटाया जाए। 25 तारीख जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता सभी दलों के सभी लोग उसमें भाग लेंगे और मुख्यतः यह पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के इलाके से भी महागठबंधन के जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सभी दलों के हैं उस आम सभा में भाग लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिल करके निमंत्रित भी करते हैं सभी अपने सेकुलर साथियों को, गांव में रहने वालों को, मजदूरों को, किसानों को, अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, सभी आओ मिल करके हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं आग्रह करता हूँ बारी बारी जो कुछ भी हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं, आप सब जानते हैं, जैसा कि माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको बीच में रखा, महागठबंधन के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है इसी महीना की 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का नई धारा और रफ्तार देने के लिए भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सभी वरीय नेता उसमें भाग लेंगे। आप जानते हैं कि जो आज देश में जुमलेबाज से ग्रसित है यह देश, सिर्फ आश्वासन और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने के अलावा केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उसके अब जनता परिवर्तन चाहती है और इसी परिवर्तन के आगाज
पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से शुरू होगा और जब से समाजवादी विचारधारा की दो बड़ी पार्टी महागठबंधन बना तब से जो है भाजपा को उल्टा गिनती शुरू हो गया और बेचैन हताश हो गया। हम लोग ने एकजुटता के साथ महागठबंधन का भव्य रैली का आयोजन पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में करने जा रहे हैं और वहीं से इसका शुरुआत होगा, सखानंद होगी। देश का जो माहौल है उसके आपको ठीक नहीं और इसी को हम लोग इसमें लगातार अपने पार्टी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से हमेशा कांग्रेस पार्टी ठीक है और इसी के तहत आप देखें हमारे नेता राहुल गांधी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 3800 किलोमीटर का पद यात्रा किया है और बिहार में भी हम लोग 1200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है। चलने का जो भी चल रहा है महागठबंधन काफी मजबूतों से काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में और मैं समझता हूँ कि कोई देश का कोई परिवर्तन आज जो हुआ उसका आगाज बिहार से ही होता है। मैं समझता हूँ जो 25 फरवरी को जो पूर्णिया में रैली हुई ये हम समझते हैं कि केंद्र की जो शासित केंद्र में जो शासन है उसको बदलने का आगाज वहीं से शुरू होगा और मैं पूरे परिवार के साथ कहता हूँ महागठबंधन एकजुट होकर के सारे इनके जो कुकर्मों का मुकाबला करेंगे और अंत में जो सच जो है उसका धीरे धीरे उजागर होता है। झूठ ज्यादा प्रचारित होता है उनका झूठ का पर्दाफाश होने वाला है और एक रैली जो कि भयंकर रैली होगी काफी अच्छा होगा और वहां से आवाज दिया जाएगा जो देश के शासन को तो आपने सुना तमाम महागठबंधन के नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है और ऐसे में पूर्णिया में एक आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम महागठबंधन के जितने विशिष्ट नेतृत्व हैं उन्हें बुलाया गया है और प्रदेश स्तर पर जितने भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं महागठबंधन के उन्हें भी बुलाया गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव मंच पर होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधेंगे और साथ ही साथ पोल खोल भी करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।